Take 38. Action. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह. मोतियों की तरह. वंदना मैम एक टेक और प्लीज. थोड़ा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है. क्या करूं? खुल के बोल, खुल के. वैंडी मैम जी, आप कहां से हैं? जी कहां से हैं? मैं गिरगांव से. गिरगांव. अब ऐसा सोचिए कि गिरगांव से कड़कती धूप में आप चलते हुए यहां पे आई हैं और यहां आके आपको पता चलता है कि आपको बर्तन मांजने हैं. उस लेवल की थकान होनी चाहिए. इंटेंसिटी. मैं समझ गई. समझ गया ना? लेट्स गो फॉर अ टेक. या रेडी? रोलिंग. एक्शन. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार. कट. एनर्जी से करेंगे. एक और करेंगे विद एनर्जी. लाइंस अच्छी थी. एक्शन. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार. कट. ओके पैक अप. वेल डन मैम, यू डिड इट. नाइस वन मैम. अजी वैंडी मैम ब्लू अम्ब्रेला बोल दीजिए अभी. ब्लू अम्ब्रेला. बाय सर. बाय. सुनो बेटा कब आएगा? अब तो नहीं आएंगे वो. नहीं नहीं ये एड अभी शूट किया ना, वो कब आएगा? मैं आपको बता दूंगी. फिर भी हर बताओ ना. एक हफ्ता जाएगा. थैंक यू मैम. गुड नाइट. टेक केयर. बाय बाय. एक हफ्ता? सिर्फ 7 दिन माँ. 168 घंटे? पूरी दुनिया देखेगी माँ. एक रात में स्टार बन जाएंगे. फोन पे फोन आएंगे. आई एम सो एक्साइटेड. हाँ जी 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 जी. अरे हमारे सोसाइटी की लेडीज है. दादर से शिफ्ट हुए थोड़े दिन पहले. वही 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 वही. क्या क्या वही वही क्या? एक सेकंड बाद में करता हूँ. ऐसा क्या बता रहे थे हमारे बारे में? अरे पूरा एरिया टीवी देखने बैठा है. हर जगह खबर फैल गई है. नहीं नहीं मैंने नहीं बताया. मैंने किसी को भी नहीं बताया. मैंने भी नहीं बताया. पक्का? मतलब आज ही आने वाला है? हाँ पापा, वो तारक मेहता के बीच में जो एड ब्रेक आएगा ना उसमें आएगा. ओ जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है उसके बीच में हमारी एड आएगी. कंपनी भी बहुत बड़ी है माँ, हर जगह पोस्टर्स लगे हैं इसके. बंधु हम ना पोस्टर के लिए भी ऑडिशन देंगे. अगर ये हिट हो गया ना तो देखना पूरे मुंबई में हम फेमस हो जाएंगे. ओ वो अर्णव सचदेव के साथ. अरे कितना अच्छा बच्चा था. मुझे तो लगा जैसे मेरा दूसरा बेटा है. वो कॉफी गिरा के गया यहाँ पर कारपेट पर, देखिए. अरे मिसअंडरस्टैंडिंग. हाँ वो नहीं, उसके असिस्टेंट ने गिराया था. अच्छा अच्छा. भाई अर्णव तो इनका बेटा है. बेटा बेटा बेटा. अच्छा बेटा यहाँ पे भी लेटा वो. हाँ उसके बालों का जेल देखो यहाँ पे कितना बड़ा धब्बा है. तो क्या हुआ? बेटा बेटा है बेटा. सिनेमन ब्लेंडेड खुशबू आ रही है कारपेट में से. वाह वाह. गुड फॉर डायबिटीज सिनेमन. सीनियर वागले आपको देखना है या बकवास करनी है? अगर बकवास करनी है तो वहाँ कोने में जाके खड़े हो जाइए. बकवास देखने के लिए तो बैठा हूँ भाई. हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या. अरे अथर्व शूट कर रहा है, इसके बीच में मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए. ओके. वेट. अभी एड आने वाला है. जैसे ही एड खत्म होगा तो हम अपने ग्लासेस रेज करके टोस्ट करेंगे. तू भी ले आशा. चलो. अथर्व टोस्ट भी रिकॉर्ड करना. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार किचन की बाहर हाथों को रखे हमेशा जवान. हाथों खुश तो जिंदगी आसान. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार सिर्फ 10 रुपए में पाई बुढ़ापे से मुक्ति और जवानी की फूर्ति. ब्लू अम्ब्रेला डिश बार. हम कहाँ हैं? वो माँ पीछे खड़े हैं.
मुझे चश्मा लगाया क्या? नहीं नहीं माँ, वो पीछे ही खत्म हो गया। अच्छा कि सिर्फ हाथ? हाथ हाँ, वो बाकी के कहाँ हो तुम दोनों? वो यहाँ पर इतनी इतनी रिहर्सल हुई, फिर वो शूटिंग हुई, सोसाइटी की इतनी 1500 परमिशंस मांगनी पड़ी, फिर वो पूरे यूनिट के लिए और डंबल बॉय के लिए खाना बनवाया तुमने, और मुफ्त में शूटिंग करके गए वो अलग। इतना करने के बावजूद सिर्फ एक हाथ का शॉट। सिर्फ हाथ? चार हाथ? वो छोटी आई होगी अभी, पूरी शायद बाद में दिखाएगी। हाँ। अच्छा, इसका भी ट्रेलर ट्रेलर होता है। बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ, लोग कैसे कैसे चूना लगाते हैं ना टीवी पे आने का लालच देकर। खैर, नियति का लिखा कौन मिटा सकता है? नहीं नहीं, लिखा भी नियति ने था और मिट्टी में भी नियति नहीं मिला दिया। नियति उसकी अच्छी थी। मैं नींद आ रही मुझे, मैं जा चुका। सॉरी 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 सॉरी। वंदना भाभी, हम भी चलते हैं। हाँ, चल चल चलते चलते। वंदना भी, क्या मस्त क्लोजअप था आपके हाथों का। आपसे ना हम लोग यही साबुन यूज करेंगे। हाँ। मैं तो कहता हूँ 3-4 डजन साबुन है ना, मंगा के सोसाइटी में बांट देते। What? इन्होंने कहा कोई डिस्काउंट कूपन है क्या साबुन पे? इन्होंने कहा ऑटोग्राफ। चलिए हर्ष, ऑटोग्राफ। सॉरी वन्ना भाभी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। चले आशा। हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छा सुनो। मैं जरा अपने फ्लैट में जाके आता हूँ। हाँ ओके पापा, समझ के जाइए। ओके जी, आपको हाथ का सहारा चाहिए पापा? मम्मा चलो टोस्ट रेस करते हैं वागले फैमिली की टीवी डेब्यू का। पर मेरी कोला तो मेरे पेट में भी चली गई। कोई बात नहीं, ले लो, यहाँ पे बहुत पड़ा है, सबके वैसे ही पड़े कोले, किसी ने पिया नहीं, सब छोड़ के चले गए। अच्छा अगला डेब्यू क्या मतलब से पैरों का? हाँ, दोनों मम्मियां नाच रही है। मम्मी और ऐसे नाचते हुए फिर डैड ये धोती से वो डांस करते हुए। बंधु क्या तुम क्यों मुंह फुला रही हो? एक एड ही तो था साबुन का। तुम तो सीरियसली हंस रहे थे। सॉरी बट इट वाज फनी राइट? तुम्हारे लिए फनी था लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नहीं। पता नहीं कितने सालों का सपना था उनका टीवी पे आने का, जानते भी हो तुम? मेरी मम्मी का? कितनी माए हैं तुम्हारी राज? एक मिनट, मेरी मम्मी को टीवी पर आने का शौक था कब से? यही तो प्रॉब्लम है तुम मर्दों की। कभी सोचा है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले वो एक इंसान थी? ना मिसेज वागले थी ना किसी की माँ। उन्हें तो मौका भी मिला था वो ब्यूटी सोप के एड में मॉडलिंग करने का, पर परिवार ने परमिशन नहीं दी और आज दोबारा उनका सपना उनके सामने टूट गया। और तुम लोगों को हंसी आ रही थी, मैं तो करना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ माँ की खुशी के लिए कर रही थी। और प्लीज पापा से कह देना कि माँ अगर दिखाती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती। I'm sorry. मैं मम्मी को भी सॉरी कहता हूँ। नहीं, अलाउड नहीं। क्यों? जब चाहे हर्ट कर दोगे, जब चाहे सॉरी बोल दोगे। खाली कब से उठा रहे थे? अब थोड़ी देर अपना खालीपन एंजॉय करो।
राधिका आइसक्रीम लाऊं? आइसक्रीम देखो, शर्त तो तुम जीत ही चुकी हो, इसीलिए पूछ रहा हूं। एक पिक्चर देखे? पिक्चर? सॉरी मैं सॉरी नींद में भी बातें करती हो, वाह। चलो नींद में वॉक पे चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट? इतनी जल्दी? 9 बजे गुड नाइट? अंधेरे में अंताक्षरी खेलोगी क्या? राधिका, 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 लेकिन उनके बाबा ने मना किया। How चे? It's not चे। लड़कियों के साथ ना ये हमेशा होता है। आज भी लड़कियों को मानो सपने देखने का हक ही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है। अब क्या बोल रही हो सखी दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो मुझसे 10 times ज्यादा फ्रीडम है अपने घर में। As if you know. Of course, मेरे फ्रीडम में कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस है घर में। Oh please, छोड़ना, तू नहीं समझेगा। Just kidding. But yeah, दादी was so sad. You know what? जब दादा दादी दादर में थे ना, तब हम उनसे कितना कम मिला करते थे। और जब वो हमारे इतने पास आ गए, तब उनमें और हमें कितनी सिमिलैरिटीज नजर आ रहे हैं ना। Means, जैसे आज दादी का मुंह उतरा हुआ था, वैसे ही सेम डैडी का भी मुंह उतरता है जब वो रिजेक्शन फेस करता है, और सेम तुम्हारा भी मुंह उतरता है when you are upset. Same to same. एक बार टीचर बोल रही थी डीएनए के बारे में, मैंने उड़ता उड़ता सुना था, बट शी वाज नॉट रॉन्ग। फॉलिंग स्टार विशम थिंग What did you wish? Smile on Daddy's face. Yes. मम्मी कल के लिए I'm sorry. तुम क्यों सॉरी? तुमने तो वही किया जो दुनिया करती है, दूसरों के दुख पे हंसना। बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं। तुम लोग ना बेशरम और इनसेंसिटिव हो। हेलो वैंडी मैम। हेलो, नमस्ते। मैं पकड़ूं। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? खाना वाना हो गया? डिलीशियस मराठी मेन्यू जो मैं मिस कर गया। नहीं, क्या है, उस दिन ना वैसे भी नमक थोड़ा कम था। चलिए आज मैं आपको एक चटपटी खबर देता हूँ। अर्णव, हाउ आर यू? अच्छा, तुमने मालविका को शो से भगा दिया ना? नहीं 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 वागले जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी वाइफ और आपकी बहू को एक दिन के लिए भगा ले जाना चाहता हूं। So, मेरी एक शूट है न्यूज चैनल के लिए, अर्णव के साथ 24 घंटे। मैं चाहता हूं न्यूज चैनल आपके घर आए, दुनिया को ये बताने के लिए
कि सबसे बेस्ट होममेड खाना कहाँ मिलता है। आपने कब खाया यहाँ का खाना? आप तो डाइट पे रहते ना? नहीं, ऑफ कोर्स मैं डाइट पे हूँ, लेकिन उस दिन मैंने चीट किया था। कब? खुशबू ही ऐसी थी वंदना जी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैंने अपने कीटो पार्सल अपनी असिस्टेंट को खिला दिया और उसकी प्लेट चट कर गया। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ओके, प्रूफ देता हूँ, रुकिए देखिए। अब हुई तसल्ली, अब बताइए कब आऊं? अरे अरे, ये भी क्या पूछने की बात है, कभी भी आइए। अतिथि देवो भव। इस बार ना आपको मैं कोल्हापुरी खाना खिला कोई। कोल्हापुरी यम, वंडरफुल है ना बंधु? आशा को बुलाते, घर साफ करना पड़ेगा ना। हाँ आइए आइए, राह देख रहे। यम्मी, अच्छा है ना, मजा आ गया। I'm telling you, ये मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी टू डाई फॉर। और ये क्या था आंटी? पिठलं, पिठलं। पिठलं? ये बेसन का बनता है। बेसन का? और आंटी ये क्या था? ये मिर्ची का ठेचा, मतलब लहसुन और मिर्ची होती है। वाह, और ये डिलीशियस खाना बनाया है बोरीवली में रहने वाली राधिका वागले और वंदना वागले, उनकी बहू वंदना वागले। हाँ। गुड वर्क गाइस, थैंक्स। सॉरी अबाउट मैसेज यू, थैंक यू, बाय बाय। सो एड देखी आप लोगों ने? हमारे हाथ तो हम रोज ही देखते हैं, टीवी पे अलग थोड़ी लगेंगे। वैसे वंदना के हाथ मुझसे ज्यादा चमक रहे थे, पर वो शायद आपके स्क्रिप्ट में वैसे लिखा होगा ना। आप गुस्सा है? नहीं नहीं, मैं ऐसी बातों पे गुस्सा नहीं होती। आपकी जगह मैं होता ना तो प्रोड्यूसर को दो घूसे लगाता। गुस्सा तो आएगा ना, अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम मना कर देते। वंदना जी, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ना प्रोड्यूसर के ना हमारे। फाइनल एड कैसे बनेगी इसे एक बहुत बड़ी टीम डिसाइड करती है, हम सिर्फ किरदार हैं। हाँ, लेकिन हम तो नहीं गए थे ना किसी के पीछे, वो नियति खुद ही आई थी हमारे पीछे पीछे और मीठा मीठा बोल के हमें। नहीं, और क्या है ना, हमने ना एक हफ्ते तक घर सजाया, वो जो यहाँ पे कुछ वो लीकेज था सब छुपाया, वीडियो शूट किए, कौओं को भी भगाया, वरना वो काव काव करते शूटिंग के वक्त। पता है, मेरे पति और मेरा बेटा दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सबने इतना कोऑपरेट किया, इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, और देखिए क्या, सिर्फ हाथ, इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है। बहुत तकलीफ हो रही है आपको? खुद को घुसा मारने का मन कर रहा है। आप मुझे घुसा मार लीजिए। नहीं। आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म के मेन एक्टर हीरो ने एक सीन करने से मना कर दिया। पूछे कौन सा सीन? कौन सा? एक मातम का सीन था, तो ऑब्वियसली डेड बॉडी रखी थी। अब हीरो ने कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है मैं तो डेड बॉडी का शॉट नहीं दूंगा। अब जरा सोचिए कि वो शॉट किसने दिया? किसने? मैंने। आपने? हाँ, वो मेरी लाइफ का पहला शॉट था, कैन यू इमेजिन। तो आपकी माँ ने कुछ कहा नहीं? वेल आंटी जी, मेरी माँ ने हमेशा एक बात कही कि बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब सोचिए कि मातम के सीन में अगर डेड बॉडी नहीं होती तो क्या वो सीन इतना इमोशनल हो पाता? फिर उसके बाद मैंने हीरो के डुप्लीकेट का रोल किया, बैक शॉट दिए, हेलमेट पहन के शूटिंग की, मास्क पहन के शूटिंग की, डांसिंग की पिक्चरों में हीरो हीरोइन के पीछे लास्ट रो में खड़े रह के। अच्छा डांसर नहीं हूं ना इसलिए। आंटी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत छोटी ही सही, शुरुआत होती है। सही है। अब देखिए मैंने कहां से शुरुआत की और आज आगे बढ़ते बढ़ते आपके हाथ का खाना खाने यहां तक पहुंच गया। लकी मी। Thank you.
तो ये सब खाना आपने बनाया, मतलब मसाले वगैरह आपने कूटे? नहीं, दादी ने कोकोनट ग्रेट किया और मिर्ची भी काटी। हाँ, और इसने मदद की, उसने बेसन का पैकेट निकाल के दिया। पर रश्मि, ये खाना खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके घर के बाजू में घर ले लूं, ताकि ऐसा खाना मैं रोज खा सकूं। आप जानती हैं आंटी, मैं मुंबई से नहीं हूँ, तो मेरी मॉम भी मुंबई में नहीं है, तो ज्यादातर मैं घर का खाना नहीं खा पाता। आज आपके हाथ का खाना खाने के बाद मुझे घर की याद आ गई। थैंक यू। अरे क्या बात है! बस बस। To Mrs. Wagle Senior और Wagle Junior की एक नई शुरुआत के लिए। तो viewers keep watching, और कभी आपका बोरीवली में स्वादिष्ट घर का महाराष्ट्र फूड खाने का मन करे, just find the Wagle. ये तुम्हारे लिए। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं राजेश वागड़े। ऑफ कोर्स राजेश जी, आपका नंबर सेव किया हुआ है मैंने। थैंक यू, आपने इतना किया हमारे लिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। देखिए, इस होली पे पूरन पोली मिस कर गया था मैं, पूरन पोली चाहिए मुझे। सर, पूरन पोली क्या? आपको मैं गुड़ाची पोली, तिड़ाची पोली, जितनी भी पोलियां हैं सब खिलाऊंगा। राजेश जी, जब आपने मुझे बताया कि क्या हुआ था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इस स्टोरी की एंडिंग तो हैप्पी ही होगी। एंडिंग कहाँ है वो? ये तो बिगनिंग है। थैंक यू सो मच। वेल, एक बात तो आज हम दोनों ने सीखी है आपकी माँ को देखकर, उम्र इंसानों की होती है, सपनों की नहीं, और ना ही होती है कोई एक्सपायरी डेट। वेल सर। क्या बात है मम्मी, बंदू क्या खूबसूरत दिख रही थी तुम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।